हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आई एम दिलीप वाघेला फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम जो दो पार्ट में डिवाइड की गई है यानी कि अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्ट वन मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर हम बात करें नॉर्मल व्हीकल की तो इंजन के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली रोटरी मोशन मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से व्हील में ट्रांसमिट की जाती है इस मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट सिस्टम में जोड़े जाते हैं जैसे कि बेल्स, क्लचिस गियरबॉक्स एक्शल शाफ्ट, डिफरेंशियल एक्सेट्रा यहाँ पे नीचे की फिगर में डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं जैसे कि मोटर शाफ्ट, चेन ड्राइव बेरिंग नट एंड बोल्ट बॉडी फ्रेम जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे फिगर में आपको मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम दिखाई गई है जिसमें इंजन से प्रोड्यूस की जाने वाली रोटरी मोशन बेल ड्राइव से फ्रंट डिफ्रेंशियल में भेजी जाएगी और वहाँ से फ्रंट ड्राइव शार्प में से फिर दोनों फ्रंट व्हील में भेजी जाएगी वैसे ही फ्रंट डिफरेंशियल गियर में से प्रोपेलर शाफ्ट से ट्रांसफर केस में और वहाँ से रियर डिफरेंशियल में फिर रियर शाफ्ट से दोनों रियर व्हील में रोटरी मोशन भेजी जाएगी जिससे वहीकल्प आगे बढ़ेगा यहाँ पे मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर का एंगेज और डिसएंगेज होना दिखाया गया है जिसको हम गियर शिफ्टिंग भी कहते हैं अगर हम किसी भी व्हीकल के पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के टास्क को परफॉर्म करेंगे तो हमें व्हीकल की स्पीड को मॉडिफाई करना पड़ेगा यानी कि गियर्स को हमें डिफरेंट लेवल में एंगेज और डिस करना पड़ेगा और वो रोड की कंडीशन और ट्रैफिक के हिसाब से होगा जिसको हम गियर शिफ्टिंग या तो गियर चेंजिंग भी कहते हैं ये गियर चेंजिंग या तो मैन्युअली किया जाता है या तो ऑटोमेटिकली किया जाता है जिससे व्हीकल के पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंटीन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है इसको हम गियरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहते हैं कंटीन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कंटिन्यूसली ट्रांसमिशन रेशियो चेंज होता रहता है अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन की हिस्ट्री की लियोनार्डो विंची ने फर्स्ट कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन के स्केचेस फोर्टीन नाइनटीन में बनाए थे वैसे ही सीवीटी की फर्स्ट पैटर्न डेम्बलर और बेंज ने 1886 में बनाई थी फर्स्ट वर्केबल बेल्ट ड्राइव सी बी टी डचमैन हब वान डोने के द्वारा 1958 में डिज़ाइन की गई थी और बनाई गई थी नाइनटीन के शुरुआत में निशान ने निशान मार्च में सी को इंट्रोड्यूस किया था 2004 में फोर्ड ने भी सी ऑफर करने शुरू कर दी अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन सीबीटी क्लासिफाई की जाती है नीचे के पांच टाइप में फर्स्ट इज पुली बेस्ड सीबीटी और रिव्स ड्राइव सेकंड इज टोरोडल और रोलर बेस्ड सीबीटी यानी कि उसको एक्स्ट्रोडल सीबीटी भी बोला जाता है थर्ड हाइड्रोस्टेटिक सीबीटीज फोर्थ इन्फाइनाइटली वेरिएबल ट्रांसमिशन फिफ्थ कॉन सीबीटीज़ हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम एक मॉडर्न टाइप की सी सिस्टम है जो ज़्यादातर मॉडर्न व्हीकल में यूज़ की जाती है हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम एप्लीकेशन में ज़्यादातर हैवी इक्विपमेंट्स में यूज़ की जाती है जैसे कि एक्जिबिटर्स फॉक लिफ्ट एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स राइडिंग मूवर्स टा टैंक्स एक्सेट्रा में यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की कुछ एप्लीकेशन दिखाई गई है जैसे कि कैटर पिलर सेवन नाइन सेवन बी माइनिंग टक जो हैवी माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लोडिंग और अनलोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है वैसे ही दूसरी एप्लीकेशन थ्री फोर फाइव सी हाइड्रोलिक एक्जबिटल जो बड़े गड्ढे खोदने के लिए यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे हमको हाइपरसोनिक एक्सेल सी रोलर कोस्टर दिखाया गया है जो हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज़ करके चलाई जाती है वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल फेलर बेंचर का दिया गया है जो ट्रीज़ को काटने के लिए यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कन्फोग्रेशन हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है फर्स्ट इज ओपन सर्किट हाइड्रोस्टेटिक कन्फिग्रेशन सेकेंड इज क्लोज सर्किट हाइड्रोस्टेटिक कन्फिग्रेशन ओपन सर्किट हाइड्रोस्टेटिक कन्फिग्रेशन में पूरी सर्किट ओपन रहती है तो रिजर्व वायर में से फ्लूड शक करके पंप के द्वारा मोटर में भेजा जाता है जिससे मैकेनिकल वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होता है और फिर मोटर में से वापस फ्लूड को रिजर्वायर में भेजा जाता है ओपन सर्किट होने के कारण रिजर्वायर का फ्लूइड एटमोस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में रहता है क्लोज सर्किट हाइड्रोस्टेटिक कन्फिग्रेशन में पूरी सर्किट क्लोज रहती है जिससे क्लोज सर्किट में फ्लूइड पंप और मोटर से कंटिन्यूसली सर, सर्कुलेट किया जाता है यहाँ पे क्लोज सर्किट में रिजर्व नहीं होता है तो फ्लूड कभी भी एटमोस्फियर एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप और हाइड्रोलिक वेरिएबल स्पीड मोटर का यूज़ किया जाता है जो कि श्वेस प्लेट एक्शियल पिस्टन पंप की तरह होते हैं इस सिस्टम में पूरा पावर हाइड्रोलिक फ्लूड में से ट्रांसमिट किया जाता है यहाँ पे हमारा हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट वन हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट टू में हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के वर्किंग को डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए